हेलो दोस्तों, देखिए मेरे पास ये टेक्नो इन 5 फ़ोन है। ये फ़ोन में जो है रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। ये इसमें ऑन करने के बाद जो है बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। इसको जो हम आपको ऑन करके दिखा रहे हैं। ये मेरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं पावर की मेरा यहाँ पे टूट गया है। इसको पावर की मैंने यहाँ पे चेंज करके भी देखा, फिर भी जो है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब आपको इसको जो है हम इसको रिस्टार्ट करके यहाँ पे इसको जो है ऑन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब इसमें देखिए आपको इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है अब मेरा जो फ़ोन है बार बार जो है रिस्टार्ट ही हो रहा है। ये टेक्नो इन 5 है, इसमें जो है बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है, इसमें इस तरह का प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आपको कैसे सोल्यूशन इसका करना है वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। आप ये देख सकते हैं ये कॉमन लिखा, फिर भी जो है ये रिस्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं जो है मेरा फिर से रिस्टार्ट हो गया। तो चलिए इसको जो हम इसको सॉल्व करके इसमें हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे पहले इसको मैं बोर्ड को इसको अलग कर देता हूँ बैटरी से। देखिए इसमें जो है दोस्तों प्रॉब्लम ये आता है, ये बैटरी से प्रॉब्लम है। बोर्ड में जो है आपका कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मैंने यहाँ पे जो है इसका पावर की बटन जो है चेंज करके भी देखा, फिर भी जो है मेरा ये सही नहीं हुआ। ये बैटरी में जो है एक इसमें जो किट लगा हुआ रहता है, आपको हम इसमें दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बैटरी में ये ख़राब हो जाने से ये जो है प्रॉब्लम रीस्टार्ट का आता है। तो ये जो है मेरा रेजिस्टेंस है, इसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे एक जम्पर लगा देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो फिर ये मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको हम इसमें करके देखते हैं फिर, और देखते हैं फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ये देखिए जो है रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो हम इसको निकाल देंगे। देखिए ये जो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, इसको हम निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैंने इसको निकाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब यहाँ से एक जो है जम्पर इसको कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, और फिर देखेंगे ये मेरा जो है ये वर्क करता है कि नहीं करता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने इसको एक जम्पर लगा दिया है, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जम्पर लगा दिया है। अब इसको चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा कस्टमर आ गया था इसलिए थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो है मैंने यहाँ पे इसको जम्पर कर दिया है, डार्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। अब आपको इस तरह से जम्पर लगा लेना है। अब इसमें जो है आप चेक करके देखते हैं कि ये मेरा जो है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मेरा हो गया फीडिंग। अब इसको जो है ऑन करके देख लेते हैं। ये इसको जो है पावर की यहाँ पे है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट उसको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उधर से जो है मेरा पावर बटन जो है मेरा इसमें खुला हुआ है, इसीलिए पावर बटन से जो है ऑन नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों वीडियो आप पूरा देखें, आपको तो ही इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। और ये जिस तरह से मेरा ये ऑन होने में टाइम लग रहा है, आई होप कि जो है मेरा पूरा ऑन हो गया हो जाएगा, मेरा ठीक जो है ये हो चुका होगा।
इसको देख लेते हैं, थोड़ा वेट करके देखते हैं। अगर ये रिस्टार्ट होने के रहता तो अभी तक जो है रिस्टार्ट हो चुका होता, लेकिन ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, इसमें जो है ऑन होने के लिए टाइम लग रहा है, तो मेरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इसको पूरा मतलब ऑन होने तक वेट करके देख लेते हैं।